चलाते हैं, झोपड़पट्टी में स्कूल बनाया, फिर पहला माला बनाया, उसको ठीक ठाक किया, 18 स्कूल तोड़ने का नोटिस हुआ, उनको आंदोलन करना पड़ा, मारवे रोड और फायर ब्रिगेड के सामने बेमुदत धरना उन्होंने किया। तब तो मैं कोई सांसद नहीं था, मैं बोरली का विधायक हुआ करता था, लेकिन मैं यहाँ आता था। मैं यहाँ पर जब फायरिंग हुआ था, राम नाईक जी सांसद थे, तब भी मैं यहाँ आता था। मेरा एक स्वभाव है, आज तो पार्टी के पदाधिकारी नहीं आते, आते हैं तो खाली कार्यक्रम में ऊपर बैठने के लिए आते हैं। मैं तो राम नाईक जी के साथ में यहाँ पर आता था, फायरिंग वो हुआ था उन दिनों में आरव सिंह जी के साथ में, तब यहाँ पर आया था। माधवराव मराठे विधायक बने, टीके चौधरी का इतना बड़ा प्रकल्प, तब उनके साथ में आया था, उसका विरोध करने वाले ने विरोध किया, तब भी मेरा कोई सोच भी उतना नहीं था, कुछ भी था, लेकिन मुझे पहले से एक अच्छा काम होता तो क्यों उसका विरोध करते हो। 300 फुट का 400 फुट का घर उन दिनों में लोगों को मिलता था, उन दिनों में लोगों को मिलता था, तो किसी लड़की का शादी अच्छे लड़के से हो सकता था, किसी लड़के का शादी अच्छे लड़की से हो सकता था, लेकिन नहीं करने वाले ने डेवलपमेंट नहीं करने दिया और वो लोग आज भी यहाँ पर ही है। तो ज़रा सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम में रहने वाले लोग, आप कितना बड़ा पाप करते हो। भगवान ने अगर आपके नसीब में पुण्य करने का लिखा नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पाप क्यों करते हो। सरकार की योजना, गवर्नमेंट की योजना के मुताबिक अगर किसी को घर मिलता होगा तो आप लोग क्यों उसको रोकते हो। ये लालजीपाड़ा का आज कमलेश को धन्यवाद देना पड़ेगा, बारातालू को धन्यवाद देना पड़ेगा, थोड़ा नक्शा 75% बदलने का काम उन्होंने किया। मेट्रो 15 साल के पहले चालू हुआ होता था, 15 साल के पहले मेट्रो चालू हुआ होता था, लेकिन मेट्रो का उन दिनों में विरोध किया। मेट्रो में जिनका भी घर जाएगा, दुकान जाएगा, उनको पर्याय जगह मिलने वाला था, फिर किस चीज़ का विरोध कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। लोगों को सुविधा मिलती थी, 15 साल के पहले अगर मेट्रो आ जाता तो मुंबई शहर का आज चेहरा मोरा पूरा बदल गया होता था, लेकिन उसका भी विरोध किया। किसी भी प्रकल्प का विरोध करना और लोगों को अपने साथ में लेकर अपना राजनीतिक भविष्य कैसे उज्ज्वल हो, ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम किसी को नगर सेवक बनाने के लिए, आमदार बनाने के लिए, खासदार बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए है क्या? तो वो तो इसका भाव हो गया, लेकिन नगर सेवक क्यों बनना चाहता है? वह उस परिसर का, वार्ड का विकास करे। MLA क्यों बनना चाहता है? तो उस विधानसभा का विकास करे। MP उस लोकसभा का विकास करे। लेकिन आप अगर यही नहीं करते तो फिर मेरे समझ में आता नहीं भाई क्यों बनना है, क्यों बनना है। तो ये विरोध करने वाले करते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि टीके चौधरी तो नहीं, लेकिन उनका बेटा जो आज है वो कर रहा है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। भगवान की कृपा होगी, हम यहाँ पर जो भी आज ये डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका लाभ उसको आने वाले दिनों में मिलेगा। ये 2 ग्राउंड तो हो जाएगा, अभी इसको तो पूरा हो गया समझो, जो भी थोड़ा काम बाकी हो पूरा करेंगे। इसके बगल में 2 और हम डेवलप कर रहे हैं, आते समय देखा होगा ब्लू पत्रा लगा हुआ है, 4-4.5 एकड़ का वो ग्राउंड है, वो भी हम आने वाले दिनों में बच्चों को खेलने के लिए उपलब्ध करेंगे। ये जब बनाया था तब मैंने सोचा था कि अभी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे समाज के लोगों का शादी विवाह हो। अब हम 2000 फुट में जिम बनाएंगे और बाकी 4000 फुट में सब लोग मिलकर, आप लोग देखो इधर कैसा करना है करके। लेकिन परसों में कैंसर नरगिस दस्त के नाम पर एक कैंसर फाउंडेशन का NGO काम करती है, तो वहाँ पर मैं गया था उसका उद्घाटन में। इससे बड़ा हॉल, अरे स्कूल का है तो स्कूल के काय के लिए, यही तो प्रॉब्लम है। 8000 फुट का हॉल, अभी गवर्नमेंट को मैंने चिट्ठी लिख दिया, मुझे इसका डिटेल दो, कितना करोड़ रुपया तुमने खर्चा किया, कितना दिन से बना हुआ है और इसमें कितने कार्यक्रम हो गया, उसका मैंने हिसाब मांगा है। क्या है गवर्नमेंट का पैसा, पब्लिक का, टैक्स पेयर का पैसा, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा काम देने के लिए है और कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कुछ लोगों को दलाली खाने के लिए है? क्या ये 8000 फुट का स्ट्रक्चर बनता है वो लोगों को उपयोग करने के लिए है? इसका किसी ने हिसाब किताब करना चाहिए। मुझे याद ही दे दो, असलम भाई ने जो जो पाप किया होगा इधर लिख के लाके दो, दूसरे दिन उसको आगे नहीं बढ़ाया तो मेरा नाम गोपाल सेट्टी नहीं है, लेकिन मेरा वो काम नहीं है साहब ये सब करने का, कार्यक्रम में आने का, खाली गाली देने का, किसको चले जाने का, बाद में नहीं। 10 साल हुआ हो ना मैं सांसद, राम नाईक जी इसके पहले थे ना सांसद, क्या क्या आप लोगों ने मारो मड में सब हिंदुओं का जुड़वा दिया सब। आज भी कंप्लेंट होता है हिंदुओं के घर टूटते हैं, मोर्चा निकालते हैं, गालियां दूसरे को देते हैं, घर तो हमारे लोगों का टूटता है। हिसाब किताब करूंगा एक दिन, पूरा करूंगा, और जो लोग मस्ती करते हैं उनका नाम भी लेकर करूंगा। भगवान ने इतना हिम्मत दिया है मुझे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
करना चाहिए, पब्लिक बोलती है करना चाहिए, करना चाहिए। क्या कर रहे हो आप? काम करो, पांडे जी ने जो बात बताई, हिंदुस्तान का इतिहास पूरा सुन लो। तब 22,500 मत लेते थे आप लोग, 2014 में मोदी जी आ गए, मैं आ गया, 78,000 पे वोट लेके गया, पब्लिक को विश्वास हो गया कुछ करेंगे, 78,000 वोट दिया। अगले चुनाव में जो भी हो उम्मीदवार और वोट बढ़ेगा। साहब आप दूसरे तीसरे को क्यों गालियां देते हो? अपने लोगों को सबको जोड़ लो ना, सारे हिंदू एक साथ में हो जाएंगे ना तो 1,00,000 के ऊपर चला जाएगा तुम्हारा मराड़ का वोट। अपनों को तो जोड़ो, अपने को तो जोड़ो। अब यहाँ पर सारे बड़े बड़े हमारे नेता है, कुछ मुझे अच्छा लगने के लिए आए हैं, कुछ देखने के लिए आए, मैं नहीं लेके जाऊंगा, वो नहीं लेके जाएगा। अरे कुछ नहीं भैया, सब लोग मिलकर अगर आज ग्राउंड भर दिया होता ना तो जो भी एक हिंदू को टिकट मिलेगा वो आगे एक हिंदू तो जाएगा ना। ये सोच होनी चाहिए आप लोगों की साहब, ये आप लोगों की सोच होनी चाहिए। और उन दिनों में भी यही हुआ था जब अकबर के ज़माने में हिंदुओं का सैनिक बहुत उनके पास था, वो सोच रहे थे कैसा हम इनको जीतेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि वो राजा रात को जब देखा तो दूर 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 बहुत सारे जगह से धुआं निकल रहा था, धुआं धुआं धुआं। तो राजा ने पूछा ये क्या हो रहा है? बोलता है साहब ये सब हिंदुओं में बहुत अलग अलग जात है, ये है ये है, ये कुनबी है, ये कोली है, ये मराठा है, ये है ये वो है, तो ये सब अपना अलग अलग खाना बनाते हैं। उस राजा ने बोला मैं ये युद्ध जीत लूँगा क्योंकि ये अपने में एक नहीं है, तो मेरे साथ में ये लड़ाई क्या करेंगे। और वही परंपरा आज भी चल रही है, वही परंपरा आज भी चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ने मुंबई शहर में 25 साल में इस मुंबई शहर को बचाया, इस मुंबई शहर को आगे बढ़ाया, हिंदुत्व का नारा देकर हम सब लोग आगे बढ़े। जब केंद्र में 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो हिंदुत्व का जो मजा लेना था ना तो वो ले पाए, ना हम ले पाए, ना आज कोई कार्यकर्ता ले पाया, नहीं ले पाया। सत्ता आने के बाद में भी कोई सोच सकता था कि शिवसेना जैसी पार्टी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में जाकर सरकार बनाएगी? इसके बारे में आप सब लोग कमेंट करोगे नहीं ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन आप लोग क्या करते हो भी तो देखो जरा। आप लोग क्या कर पर सारे कार्यकर्ता खड़े होकर मदद करते थे तब ये बोरली बीजेपी इतनी हुई है। 1,50,000 का जब वोट मिलता है बोरली में तो सारे लोग एक है, हर नेता की अपनी ताकत होती है ब्रिजेश, हर नेता। मैंने वो दिन भी कहा था और मैं आज भी कहता हूँ, मैं मालोनी के लोगों का सेवा अगर करता हूँ तो एक मुसलमान का मैं सेवा करूँगा तो मुझे चुनाव में एक वोट मिलेगा, जो हिंदू का करता हूँ तो भी एक वोट मिलेगा। मैं मानता हूँ कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा लेकिन वो घर पे बैठ के दुआ करेगा कि गोपाल शेट्टी जीतना चाहिए, करते हैं साहब। दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है, दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है, करते हैं। और आपका इरादा नेक होना चाहिए, आपका सोच एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए सोच में। भगवान ने आपको एक मौका दे दिया, कर लो। कल पछतावा नहीं होना चाहिए कि मेरे 10 साल सांसद के नाते मैंने काम किया लेकिन मैं मालूनी के लिए कुछ कर नहीं पाया, पानी का पाइपलाइन भी बदल गया, जमजम होटल के सामने का योगेश को पता है, कोई सोच नहीं सकता है। जमजम होटल के अंदर जाने के लिए उसको पाइप के ढिगले के पैसे पैर चलकर जाना पड़ता है, लेकिन कैसा बंदा होगा वो भी, 8 ट्रक जो योगेश वर्मा ने बोला, 8 ट्रक हम लोग ने पाइप निकाला, पूरा शिफ्टिंग कर दिया। उस बंदे ने थैंक यू का, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, जमजम होटल वाले ने थैंक यू का फौज भी नहीं किया, लेकिन हम क्या कोई थैंक यू के लिए काम करते हैं क्या? उसने थैंक यू नहीं किया लेकिन जब भी वो घर से वो होटल में प्रवास करता होगा तो उसको अल्लाह बाद में याद आता होगा, गोपाल शेट्टी पहला याद आता होगा, इस बंदे ने मेरे होटल के सामने का सारा पाइप निकाला। बाबा सिंह सही बोल रहा हूँ, जरा टाली तो जोर पर से बजाओ, टाली सही बोल रहा हूँ तो करे, सीधी बात है ना, क्योंकि उसने वो मुसीबत को देखा है ना, उसके सामने 1,000 पाइप का डिगला के ऊपर से वो चढ़कर बेचारा जाता था, क्या ये देश है, क्या ये लोकशाही है, कोई सुनने वाला नहीं किसी का, चल गया वो सिस्टम। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी वो होटल में प्रवेश करता होगा गोपाल शेट्टी को 100% याद करता होगा, 100% याद करता है, भारतीय जनता पार्टी को याद करता होगा। तो काम करना ये अपना फर्ज है, किया हमने, मुझे बड़ा खुशी मुझे महसूस होती है कि स्ट्रक्चर आज बना है। पोईसर जिमखाना बहुत बड़ी संस्था है लेकिन पोईसर जिमखाना में भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है जो हमने
मालूनी के लोगों के लिए किया है। जो भी हमने बातें कही है, हम आने वाले दिनों में, अभी मेरा सेकंड फेज का कल से काम चालू हो जाएगा स्विमिंग पूल का, और बाकी जो भी करना है वो भी हम करेंगे बहुत ही जल्दी यूनुस भाई के नेतृत्व में। जरा फ़ोन कर लो भाई उनको, यूनुस भाई आने तक मैं भाषण चालू रखूँगा, चलेगा ना? हाँ, लेकिन नमक तो हो गया होगा ना। हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूनुस भाई को। धर्म का कट्टरता किस तरह से होना चाहिए, उतना कट्टरता अगर तुम में और हम में आ गई ना, मेरे में है वो कट्टरता काम के बारे में। हाँ, काम के बारे में मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, ये कट्टरता होना चाहिए। पूरा दिन वो उपवास रखा उसने, पूरा काम किया, कार्यक्रम कुछ चालू करवाया, लेकिन अपना कट्टरता रोजा खोलने के लिए गया है। ये एक एक मिसाल है ना, इसमें से सीखना चाहिए हम लोगों ने, कुछ हम लोगों ने सीखना चाहिए। भगवान ने जिनको आज क्षमता दिया है, गाड़ी दी है, 20-20, 30-30 लाख की गाड़ी है, वो गाड़ी को भी दुख होता है अगर एक दो आदमी बैठ कर इस गाड़ी में जा रहे हैं, 5 लोगों को और बिठा कर नहीं लाया करके, उस गाड़ी को भी दुख होता होगा, लेकिन गाड़ी लाने वाले को दुख नहीं हो रहा है वो गाड़ी को भी दुख होता होगा ना गाड़ी को भी दुख होता होगा, ऐसा कैसा? ठीक है, मैं क्या करना है, यूनुस भाई तक चलाना है क्या, फिर बाद में करना है? ठीक है, मैं बैठूंगा यहाँ पर कार्यक्रम पूरा होने के बाद में आधा घंटा, सब लोग देख लो। मैं फिर एक बार सबको धन्यवाद देता हूँ। करने का एक कारण ये भी था कि मोदी जी का लास्ट कार्यक्रम आज 12 तारीख का तक का था, जो भी उद्घाटन वगैरह का, और कल आचार संहिता लगी के ऐसा था, और इसलिए हमने कहा कि इसको एक बार उद्घाटन कर दो तो लोग उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे, और एक बार चुनाव बना होने के बाद में फिर एक बार सारा सामान विमान पूरा सेट करके कार्यकर्ताओं का इच्छा होगा तो फिर एक बार कर लेंगे। आज उद्घाटन करने का एक कारण ये है कि इतना अच्छा जो चीज़ बना है, ये 2 महीना चुनाव के लिए बंद ना पड़े, ये लोग इसका उपयोग करें, इसके लिए हमने इसका उद्घाटन आज किया। कोई कार्ड भी छपा नहीं है, कोई किसी को ज़्यादा जानकारी भी हमने दी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। कुछ मुस्लिम समाज के लोग आए थे, वो रोज़ा के लिए चले गए कुल मिलकर, हाँ उसके बाद में वो जाकर आए भी। अब तुम आया ऐसा ये बोलोगे तो फिर मेरे को यूनुस भाई का कौन सा है उसके पर मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, करो सुनने वाले लोगों ने कौन से काम को कितना महत्व देना ये भी कभी कभी सोच लेना पड़ता है। हाँ, मैं अगर यूनुस भाई का रहता था तो आज मैं